मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में सपा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ज्योति मैसी के यहाँ पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम मुद्दों पर केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सपा प्रमुख ने यह उम्मीद जताई कि यूपी में आने वाले निकाय चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और वहीं बीजेपी के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि 10 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है, तो 50,000 करोड़ मैनपुरी को भी देना चाहिए। सरकार इंजन कितने भी लगा ले, लेकिन डब्बे खाली हैं। किसान व्यापारी को कुछ मिलने वाला नहीं है। सच्चाई दिखाओगे तो मुकदमा लिखा जाएगा। मैं अभी मैनपुरी आया हूँ। बीजेपी घबराई हुई है इसलिए कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सेफई से चलाऊ और मैनपुरी पहुँचा हूँ, पूरे डिवाइडर पे सांड बाबा दिखाई दे रहे। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या, जानवर की समस्या समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से साड़ नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है?